नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पूरा ज्ञान सीखो में। जिस किसी ने भी हमारे चैनल पूरा ज्ञान सीखो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की पहली सूची के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने भाजपा की दूसरी सूची के बारे में बात जानकारी दी आपको। अब हम बात करेंगे कांग्रेस की पहली सूची जिसमें 33 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए। इसमें पहली सीट अन्नौर या से अमित चाचाण को टिकट मिला है। अमित चाचाण जो इस सीट से वर्तमान में सिटिंग MLA भी है और इनका मुकाबला भाजपा के प्रवक्ता और कद्दावर नेता अभिषेक मटोरिया से होने वाला है। अगली सीट है कोलायत। कोलायत की सीट भी आने वाले विधानसभा चुनाव में एक हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ से वर्तमान कैबिनेट मंत्री भंवर सिंह भाटी को प्रत्याशी बनाया गया। भंवर सिंह भाटी का सीधा मुकाबला पूर्व में भाजपा ज्वाइन करने वाले देवी सिंह भाटी से होने वाला है। अगली सीट है सादलपुर। यहाँ से कांग्रेस सरकार में खेल क्रीड़ा मंत्री कृष्णा पूनिया से होने वाला है। कृष्णा पूनिया को प्रत्याशी बनाया गया, माफ कीजिएगा। अगली सीट है सुजानगढ़। यहाँ से मनोज मेघवाल को टिकट मिला। मनोज मेघवाल जो मास्टर भंवरलाल के पुत्र हैं उन्हें इस सीट से एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया गया। मंडावा से रीटा चौधरी को और लक्ष्मणगढ़ से PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया गया। अगली सीट है विराटनगर। यहाँ से इंद्राज सिंह गुज्जर को प्रत्याशी बनाया गया। अगली सीट है मालवीय नगर। यहाँ से डॉक्टर अर्चना शर्मा को टिकट मिला है। डॉक्टर अर्चना शर्मा का पहले टिकट फाइनल नहीं बताया जा रहा था। पहले यहाँ इस सीट से कमल शर्मा को टिकट मिलना कंफर्म बताया जा रहा था, परंतु किन्हीं कारणों की वजह से डॉक्टर अर्चना शर्मा को एक बार फिर से इस सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि डॉक्टर अर्चना शर्मा इस बार का चुनाव क्या कालीचरण सराफ को हरा पाती हैं या एक बार फिर कालीचरण सराफ इन्हें पटकनी देंगे। अगली सीट है सांगानेर। यहाँ से पुष्पेंद्र भारद्वाज को टिकट मिला। पुष्पेंद्र भारद्वाज का सीधा मुकाबला भजनलाल शर्मा से होने वाला है। अगली सीट है मंडावर। यहाँ से ललित कुमार यादव को टिकट मिला है। अलवर ग्रामीण से कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली को टिकट मिला है और सिकराई से कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश को टिकट मिला है। अगली सीट है स्वाई माधेपुर। यहाँ से दानिश अबरार को टिकट मिला है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वाई माधेपुर का मुकाबला भी एक बड़ा दिलचस्प और रोचक मुकाबला होने जा रहा है क्योंकि यहाँ से भाजपा के कद्दावर नेता बाबा किरोड़ीलाल मीणा को टिकट मिला है और उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस के दानिश अबरार से होने वाला है। अगली सीट है टोंक। यहाँ से सचिन पायलट जो कि पूर्व में उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं उन्हें एक बार फिर से इस सीट से प्रत्याशी बनाया गया है क्योंकि वर्तमान में भी सचिन पायलट इसी सीट से विधायक है। अगली सीट है लाडनू। यहाँ से सचिन पायलट गुट के नेता मुकेश बाकर को प्रत्याशी बनाया गया है। अगली सीट है डिडवाड़ा। यहाँ से चेतन डूडी जो कि सिटिंग MLA भी इस सीट से उन्हें एक बार फिर से इस सीट से विधायक प्रत्याशी बनाया गया। अगली सीट है जायल। यहाँ से मंजू देवी को और डिगाना से विजयपाल मिर्दा को प्रत्याशी बनाया गया। अगली सीट है पर्वतसर। यहाँ से रामनिवास गावड़िया को टिकट मिला है। रामनिवास गावड़िया जो वर्तमान में इस सीट से विधायक भी है। अगली सीट है ओसिया। यहाँ से मदेरणा परिवार की बेटी दिव्या मदेरणा को एक बार फिर से इस सीट से प्रत्याशी बनाया गया। दिव्या मदेरणा जो इस सीट से सिटिंग MLA भी है। सरदारपुरा से हमारे जनप्रिय लोकप्रिय नेता और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को प्रत्याशी बनाया गया। अगली सीट है जोधपुर। यहाँ से सिटिंग MLA मनीषा पवार को टिकट मिला है। लूणी से सिटिंग MLA महेंद्र बिश्नोई को मिला है और बायतू से कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी को टिकट मिला है। अगली सीट है वल्लभ नगर। यहाँ से प्रति गजेंद्र सक्तावत को टिकट मिला है। डूंगरपुर जो कि ST सीट है यहाँ से गणेश गोगरा को टिकट मिला है और बागीदोरा से कांग्रेस के कद्दावर नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय को टिकट मिला है। अगली सीट है कुशलगढ़। यहाँ से रमीला खड़िया को टिकट मिला है। प्रतापगढ़ से रामलाल मीणा को टिकट मिला है और भीम से सुदर्शन सिंह रावत को टिकट मिला है। अगली सीट है नाथद्वारा। दोस्तों मैंने आपको बताया कि नाथद्वारा का मुकाबला भी 2023 के चुनाव में बड़ा रोचक होएगा और इस सीट से कांग्रेस ने अपने सिटिंग MLA CP जोशी को प्रत्याशी बनाया है। अगली सीट है मांडलगढ़। जैसे विवेक धाकड़ को टिकट मिला है और हिंडोली से अशोक चांदना को टिकट मिला है। अशोक चांदना का भी मुकाबला बड़ा ही रोचक होने वाला है क्योंकि यहाँ से कद्दावर नेता प्रभुलाल सैनी का सामना अशोक चांदना से होने वाला है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इन 33 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस भी कौन कौन सी सीटें जीतने के लिए प्रबल दावेदार है। आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहूँगा कि हम आने वाली वीडियोज में हमारी जो पहले सीरीज चलती आ रही थी हम एक बार फिर से उस सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको जल्द ही एक नई वीडियो मिलेगी। नई वीडियो में हम बात करेंगे नौर विधानसभा क्षेत्र के बारे में। तो दोस्तों जिस किसी ने भी हमारे चैनल पूरा ज्ञान सीखो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट अगर बेल आइकन दबाओगे तभी मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे।